बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। इस वक्त पुलिस दफ्तर के पीछे जलाई गई फाइलें, ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएसपी दफ्तर के पीछे जलाई गई फाइलें, आलोक कुमार के आने से पहले जलाई गई फाइलें, फाइलों के जलाने का राज क्या है यह जाना जरूरी। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, एसएसपी दफ्तर के पीछे जलाई गई कई फाइलें, नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। आलोक कुमार कमिश्नर के तौर पर पहुंचने वाले हैं और उससे पहले ही यहां एसएसपी कार्यालय के पीछे फाइलें जलाई गई हैं। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएसपी दफ्तर के पीछे जलाई गई फाइलें, आलोक कुमार के आने से पहले जलाई गई फाइलें, इन फाइलों में क्या था, क्या कोई राज छिपा था, भ्रष्टाचार था। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, एसएसपी दफ्तर के पीछे जलाई गई फाइलें। आपको बता दें, हाल ही में एसएसपी हटाए गए, कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया नोएडा में, और अब ग्रेटर नोएडा से इस वक्त जो खबर आ रही है, खबर ये कि कमिश्नर के पहुंचने से पहले एसएसपी दफ्तर के पीछे फाइलें जलाई गई हैं। आलोक कुमार कल अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, यह खबर आई, और इससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या जली हुई फाइलों का राज है ये जानना बेहद जरूरी। क्या इन फाइलों में कोई राज दफन है जिसे दफन कर दिया गया, जिसे दबाया गया था अब जला दिया गया, या फिर कुछ और। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, आखिर क्यों इन फाइलों को जलाया गया है, एसएसपी कार्यालय के पीछे फाइलें जलाई गई हैं, आलोक कुमार के आने से पहले जलाई गई कई फाइलें, क्या है जली हुई फाइलों का राज। गिरीश नारायण जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। गिरीश, अभी कमिश्नर बैठे भी नहीं है, बैठने से पहले एसएसपी कार्यालय के पीछे कागजात जलाए गए, फाइलें जलाई गई, इन फाइलों में राज क्या था, क्यों जलाई गई? निश्चित तौर पर जिस तरह की फाइलें जलाई गई हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की तरफ ये संकेत करता है, क्योंकि कल ही जो नए कमिश्नर तस्वीर दर्शकों को पहले दिखाते हैं, स्कूल जीप तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं, अपने सहयोगी के पास जाएंगे, गिरीश के पास। लेकिन ये वो तस्वीर है ग्रेटर नोएडा की, एसएसपी दफ्तर के पीछे की तस्वीर, जहां दफ्तर के पीछे जलाई गई फाइलें, स्कूल जीप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऑनलाइन टीवी पर आप देख रहे हैं। और एक सवाल भी है, वो सवाल ये कि आखिर इन फाइलों को क्यों जलाया गया, इन फाइलों में क्या कोई राज था जिसे दफना दिया गया है, या फिर कुछ और कारण है। एसएसपी दफ्तर के पीछे जलाई गई फाइलें, क्योंकि कमिश्नर कल बैठने वाले हैं, कार्यभार संभालने वाले हैं आलोक कुमार, उनके स्वागत की तैयारियां एक तरफ हो रही हैं, तो दूसरी तरफ एसएसपी कार्यालय के पीछे फाइलों को स्वाह कर दिया गया, जला दिया गया, इन फाइलों में था क्या, दफ्तर के पीछे जलाई गई फाइलों का राज क्या है, एसएसपी दफ्तर के पीछे जलाई गई फाइलें, क्या इसमें कोई राज भ्रष्टाचार का था, इनमें कुछ ऐसी चीजें थी जो आने वाले वक्त में सवाल खड़े कर सकती थी, कि आलोक कुमार इन फाइलों के जरिए उन लोगों तक पहुंच सकते थे जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लोग घूसखोरी करते हैं, या फिर कुछ और इसका कारण है। आलोक कुमार के आने से पहले ये फाइलें जला दी गईं, कमिश्नर के बैठने से पहले एसएसपी दफ्तर के पीछे चुपचाप तरीके से इन फाइलों को जला दिया गया। तस्वीरें देखिए ऑनलाइन टीवी पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से तस्वीर है, एसएसपी दफ्तर के पीछे की तस्वीर, जहां पर फाइलों को दफन कर दिया गया है, जला दिया गया है। क्या है जली हुई फाइलों का राज, कौन बताएगा? आलोक कुमार कमिश्नर के पद पर तैनात होंगे, कल कार्यभार संभालेंगे, क्या आलोक कुमार इन फाइलों का राज खोजने की कोशिश करेंगे? क्या है जली हुई फाइलों का राज, ये राज कैसे पता चलेगा, क्योंकि फाइलें तो जला दी गई हैं, एसएसपी दफ्तर के ठीक पीछे ये फाइलें जलाई गई हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर ऑनलाइन टीवी पर। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर बहुत सारे सवालों को जन्म देती है, एसएसपी कार्यालय के पीछे फाइलों को जला दिया गया है, और आपको बता दें कि नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से पहले भ्रष्टाचार की बुआ आई थी। नदीम जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। नदीम,
इन फाइलों को जलाने का कारण क्या है? क्या इन फाइलों में कोई राज था जो आलोक कुमार के आने से पहले ही जला दी गई फाइलें? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो है कमिश्नर को 11 बजे जो है चार्ज लेना था, उससे पहले आज एसएसपी दफ्तर में जो है कुछ फाइलों में आग लगाई गई है, लेकिन अभी ये स्पष्ट तौर से साफ नहीं हो पाया है कि ये आग जो है किन कागजात में लगाई गई है और क्यों लगाई गई है। वही हमने जो पुलिस अधिकारी है उनसे बात करने की कोशिश की है तो उनका जो है साफ तौर पर कहना है कि ये कुछ दस्तावेज है, जो पुराने दस्तावेज है उनको जलाया गया है, लेकिन स्पष्ट ये नहीं हो पाया है कि दस्तावेज है कौन से। सर